एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको फ्री में दवाइयों की जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इस वीडियो में हम एस्थलीन सल्फेट सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जो कि 100 ml में आता है। आप देख सकते हैं सिप्ला कंपनी का एथिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही सुनहरा प्रोडक्ट है। जब आप इसको परचेज़ करें तो एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें। 100 ml की कीमत रहती है मार्केट में 16.80 रुपये। सिप्ला लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका नाम है एस्थलीन और कंपोजिशन रहता है सालबुटामोल सल्फेट। एस्थलीन 5 ml में 5 ml में सालबुटामोल सल्फेट 2 mg डाला हुआ है कंपनी ने। तो ये प्रोडक्ट केवल डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। इस सिरप को दिया जाता है कफ के लिए। जिन लेडीज़ को या जेंट्स को या बच्चों को कफ होता है, तो उसमें उस कंडीशन में एस्थलीन को दिया जाता है। कफ होने के साथ साथ जिन पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनका सांस फूलता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस अच्छे से नहीं आती है, उसके साथ साथ खांसी रहती है, सांस फूलता है, सांस चढ़ता है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एस्थलीन भी आता है और एक लिवोलिन भी आता है, उसका कंपोजिशन रहता है लिवो सालबुटामोल। तो आज के टाइम में लिवो सालबुटामोल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एस्थलीन कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपका डोज, इसकी जो डोज है आपको डॉक्टर ही आपको बताएगा। छोटों बड़े ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और बड़े बच्चों को आप इनको दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और बड़ों के लिए 5 ml सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद गर्म पानी में मिला करके दिए जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे जी घबराना, कच्चा जी होना, वॉमिटिंग होना, बॉडी रिएक्शन होना, तो इसके आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस दवा को डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, बच्चों के पहुँच से इसको दूर रखें। कुछ सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, ये चैनल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।